जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज नहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की अंधेरी पर आसमान ने जो लिखा तारना नजर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, क्या हुआ? कल रात साहब शराब के नशे में धुत होकर घर आए। सुनो तुम कॉलेज बंक करके तो नहीं आए हो ना? नहीं एक्चुअली वो मेरा एक पीरियड फ्री था। देखो पूजा मुझसे झूठ मत बोलना। दादी मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या आपको मेरी माँ की याद आती है कभी? क्यों गुल खान, लड़के ने घर से बाहर निकाल दिया है जो लोगों की गाड़ियां साफ कर रहे हो? मिस्टर अजराज मैं शमशेर ग्रुप ऑफ कंपनीज की चेयरपर्सन हूँ। अफसोस, इतनी बड़ी कंपनी की चेयरपर्सन होने के बावजूद भी आपको इतनी तमीज नहीं है कि कंपनी के मालिक से किस तरह से पेश आना चाहिए? अगर तूने फौरन अपने लीडर की पसंद नहीं की ना तो मैं अपने पसंद की बहू इस घर में ले आऊंगा, फिर मुझे नहीं कोसते रहना। ठीक है अबू, मेरे लिए आपसे बढ़कर इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ कि ऐसी जहालत का काम जिंदगी में कभी नहीं करूंगा। तूने उसकी सूरत देखनी चाहिए थी यार। अरे इतना छोटा सा मुंह हो गया था उसका। तुम्हें क्या लगता है तुमने ठीक किया? सब मुझसे ये क्यों कहते हैं गोकुल? कोई मुझसे ये क्यों नहीं पूछता कि तुम्हारी माँ के साथ जो किया वो ठीक किया था? यार अजय तू बात को अलग रूप दे रहा है यार, वो एक औरत है। खैर छोड़ यार, ये बता तू काम कब से शुरू कर रहा है? अब मूड खराब मत कर, ये बात पूछो। अच्छा क्या पिएगा तू बोल तो सही। तेरी मर्जी से जो पिलाना पिला दो। गोकुल तो लड़की अपना पर्स भूल गई है यार। तो हम क्या करें यार, ढूंढते हुए आएगी और ले जाएगी। और नहीं आई तो? कैसी बातें करता है यार तू। अजय मैं उस लड़की को उसका पर्स लौटा कर रहा था। अजय सुन, अजय क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बहुत बुलाया उसको लेकिन सुना नहीं, अपनी गाड़ी में बैठ के चली गई। यार अजय तुझे इस पर्स को टच नहीं करना चाहिए था। क्यों? किसी की चीज को टच करना इस कंट्री में ऑफेंस माना जाता है। अरे पर क्यों यार? जो चीज अपनी नहीं है उसे टच करना तेरा क्या काम? जो भूल गया है वो आएगा और उठाकर ले जाएगा या तो फिर वो पुलिस में इन्फॉर्म कर देगा। और अजय वैसे भी इस देश में किसी की कीमती चीज खोती नहीं है। मुझे तो ये बात पता ही नहीं था, मैं तो किसी का भला करने जा रहा था यार।
लेकिन तेरे साथ तो बुरा हो सकता है। लेकिन अब क्या करूं? पर्स खोल के देख ले, उसका पता मिल जाए तो लौटा देना, वरना किसी हसीन लड़की की सौगात समझ के रख लेना। यहाँ जान पर बनाई है और तुझे मजाक सूझ रही है। दीपा, उसका मोबाइल नंबर भी है, ना फोन काट दे, मैं उसको फोन करता हूँ, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। जल्दी कर, जल्दी कर, अभी आता हूँ। हाँ المتحرك الذي طلبته مغلق، شكرا. بورنيما جي، تم نے بتایا ہی نہیں آج کا دن آفس میں کیسا رہا؟ آپ میرے نظریے سے پوچھ رہی ہیں یا؟ میرا مطلب ہے اجے کا پہلا دن تھا نا، اسے اپنا آفس کیسا لگا؟ اسے اپنے پاپا کا کیبن بالکل پسند نہیں آیا، वो इसका इंटीरियर पूरी तरह से बदलना चाहता है। पर विशाल का कैबिन तो अच्छा खासा था और विशाल को अपना कैबिन बहुत पसंद था, उसे कैसे तोड़ सकते हैं? माँ जी, वो सबके सामने ये जताना चाहता है कि वो उस कंपनी का मालिक है, इसलिए उसने सबके सामने मुझे जलील कर दिया। उसे क्या जरूरत है ऐसा करने की, वो तो कंपनी का मालिक है ही। माँ जी, अजय को मुझसे ज्यादा बैर है, मुझे नहीं लगता हम एक साथ काम कर पाएंगे। बेहतर यही होगा आप बाबूजी से कहकर उसे होटल्स डिवीजन में भेज दें। बेटी, वो बच्चा है, उसके जहन में कुछ गलत बातें बैठी हुई हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो सारी बातें उसकी समझ में आ जाएंगी और सब ठीक हो जाएगा। देखना वो अपने दादाजी के साथ अब कैसे पेश आता है। इसका मतलब है कि हमें एक साथ ही काम करना पड़ेगा। फिलहाल हाँ। पूर्णिमा, तुम समझदार हो, आखिर वो कब तक तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेगा? एक न एक दिन तो उसे एहसास होगा कि वो गलत है। लेकिन उस दिन तक ठीक है माँ जी, आप जैसा चाहती है वही होगा। हाँ डॉक्टर साहब, सब टेस्ट नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके And thank God. आ जाओ अंदर, दरवाजा खुला है, कम इन प्लीज। डॉक्टर साहब, आपने मुझे कितना रिलैक्स कर दिया है इसका आपको अंदाजा नहीं है। All right, डॉक्टर साहब, and thank you very much. Okay, bye. Hello, Mr. Kamal. Oh, दीपा, hi. आओ। काम हो गया? जी हाँ। उसे कोई शक तो नहीं हुआ ना? मैंने शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। गुड, अब कल सुबह तक अपना मोबाइल फोन ऑफ रखना, मैं चाहता हूं कि वो बजाते खुद तुम्हारे पास आए। उसके बाद तुम्हें क्या करना है तुम अच्छी तरह से जानती हो। जी हाँ। दीपा, अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा जितने तुम्हारी सात पुश्तों ने कभी नहीं देखे होंगे। मिस्टर कमल, हमारा दुश्मन बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही चालाक है। मैं जानता हूं, लेकिन हीरा ही हीरे को काटता है ना? थैंक यू, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। अब मैं चलूं? ओके। अजय राज, ये तो तुम्हारे हंसने खेलने के दिन थे। अफसोस कि शमशेर राज ने तुम्हें मेरे हाथों में कठपुतली बनने के लिए सौंप दिया।
डोर मेरे हाथ में, जैसा चाहूं वैसा मैं चाहूंगा। जी मैं पूजा बोल रही हूँ। पूजा? पूजा इतनी रात गए फोन किया, क्या बात है? तो और क्या करती, आप अपने आप को दोस्त कहते हैं ना, और एक बार भी फोन नहीं किया। बस पूजा थोड़ा काम में मसरूफ था। तो मुझे भी तो कितनी टेंशन हो रही थी कि आपकी तबीयत कैसी है। अरे पूजा तुमने तो मेरे सरदर्द को इतनी बड़ी बीमारी बना दिया कि मुझे खुद को डर लगने लगा। आपको मजाक सूझ रहा है? But seriously, I was really concerned. Okay, Baba. Now I'm okay. मैंने दवा भी खा ली है। But डॉक्टर के पास तो नहीं गए ना? कल डॉक्टर के पास भी चला जाऊंगा। अब तुम जल्दी से फोन रखो, वरना कोई घर में देख लेगा तो मुश्किल हो जाएगी। पहले प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे कल फोन करेंगे। हाँ फोन करूंगा। पक्का? प्रॉमिस। बाय। डरपोक। पूजा। जी भैया। ये शायद तुम्हारा है ना, मेरे कमरे में रह गया था। सो जाओ, ज्यादा रात हो गई है। जी भैया। गुड नाइट। गुड नाइट। छोड़ देता हूं और चलना यारा, उसे थूक देना, चल बैठ गाड़ी में, मैं छोड़ देता हूं। आजा आजा आ। चुपचाप गाड़ी चलाओ और मुझे अविधा भी छोड़ दो। क्या खाम खा के झगड़ा लगाए हुए, जा जाके शमशेरा के साथ सुलह सफाई कर ले। हाँ। मैं शमशेर राज जैसे कमीने आदमी के साथ सुलह करना नहीं चाहता। कमल, शमशेरा मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, उसका नाम इज्जत से लेना। जिस आदमी की कोई इज्जत नहीं है उसका नाम इज्जत से कैसे लिया जा सकता है? कमल, कुल खान, आप किस आदमी का भाई बने? उस आदमी जिसकी पहली बहू एक नाचने वाली थी, जिसकी बेटी रातों रात घर से भाग गई, और जिसकी दूसरी बहू पूर्णिमा।
पहले अपने आप से बाहर हो जाऊंगा, तेरा खून कर दू। मेरा गाड़ी से उतर जा, उधर मेरा गाड़ी से। ओके भैया, बाय। पूजा जी, जी भैया, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। भैया मुझे लेक्चर के लिए देर हो रही है। 5 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर आओ। पूजा, हम दोनों एक ही बाप की औलाद हैं, इसलिए हम सगे बहन भाई हुए। सिर्फ रिश्ते से नहीं बल्कि खून से जी। पूजा, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मेरा घर पर आने का सबसे बड़ा कारण भी तुम ही, इसीलिए मेरा तुम पर कुछ हक बनता है। क्यों जी भैया? उसी हक के नाते मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए ना। कल इतनी रात गए तुम किसे फोन कर रहे? वो भैया मेरी, आई मीन टू से मेरा दोस्त था, लेकिन भैया कोई स्पेशल दोस्त नहीं था, सिर्फ एक अच्छा दोस्त था। पूजा, इतनी रात गए कोई अपने अच्छे दोस्तों को फोन करा? भैया जो आप सोच रहे हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच? और अगर कुछ होता ना तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी। एक आप ही तो हैं जिनके साथ मैं खुल कर बात कर सकती हूँ। अच्छा लगा ये जानकर कि मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा या बुरा होगा, या जो भी अच्छा या बुरा आएगा, तुम मुझे उसके बारे में जरूर बताओगे। जी भैया, एंड आई प्रॉमिस दिस। अच्छा, तुम्हारे कॉलेज की बेल बज गई है, तुम जाओ, तुम्हारे लेक्चर के लिए लेट हो रहा है। हेलो। हेलो जी, मैं अजय राज बोल रहा हूँ। जिस रेस्टोरेंट में कल आप अपना पर्स भूल गई थी, उस रेस्टोरेंट में मैं भी था। आपका पर्स मेरे पास है। एक बात बताइए, आप मुझे मेरा पर्स लौटाना चाहते हैं या अपने पास रखना चाहते हैं? ये अगर लौटाना नहीं होता तो मैं आपको फोन क्यों करता? आपने मेरा पर्स इतनी देर तक संभाल कर रखा, यू डिजर्व अ कॉफी। आप मुझे ओएसिस की कॉफी शॉप में मिल सकते हैं? ओएसिस की कॉफी शॉप में? जी हाँ, ठीक 1 घंटे बाद। ओके, मैं पहुंच जाऊंगा। बाय, सी यू देन। बाय बाय।